नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केरल में निपा वायरस के कारण हड़कंप मच गया है। दो मौतों के कारण अधिकारियों को 7 पंचायतों के कई वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा है। लोगों से न घबराने की अपील करते हुए केरल सरकार ने मंगलवार को कोझिकोड जिले में निपा वायरस से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं हालात को देखते हुए केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार शाम 4:30 बजे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। सीएम विजयन ने मंगलवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि कोझिकोड जिले में निपा वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिन 4 लोगों की लार टेस्ट के लिए भेजी गई थी, उनमें से 2 निपा पॉजिटिव थे और 2 निपा नेगेटिव थे। स्वास्थ्य विभाग ने उन वार्डों की सूची जारी की है जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। कंटेनमेंट जोन के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, न ही किसी बाहरी व्यक्ति को इन जोन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस और स्थानीय स्वशासन विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उचित और सख्त बैरिकेडिंग हो। केवल भोजन जैसी आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि मेडिकल दुकानों व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कोई भी समय का प्रतिबंध नहीं है। इन कंटेनमेंट जोन में कार्यालय, बैंक, स्कूल, आंगनबाड़ी काम नहीं करेंगे। इन कंटेनमेंट जोन में सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी बताया गया है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TIN न्यूज़।